एसके माइंस के बाहर मंदिर की दीवार तोड़ने का मामला। दबाव के बाद पुलिस और प्रशासन आया बैकफुट पर। ग्रामीणों और प्रशासकीय अधिकारी की समझौता यात्रा सफल। राजपुरा पंचायत बनाएगी मंदिर की चार दीवारी और बगीचा। एसके माइंस के संयोग से होगा मंदिर में विकास कार्य। यात्रा सफल होने पर मजदूरों ने किया खदान में प्रवेश। प्रशासन ने अपनी गलती पर जताया खेद। रेल मंगरा उपखंड इलाके में स्थित हिंदुस्तान जिंक की एसके माइंस के बाहर मंदिर की चार दीवारी तोड़ने के मामले में ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन बैकफुट पर आ गया। ग्रामीणों के साथ हुई समझौता यात्रा में प्रशासन ने खेद जताया। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई समझौता यात्रा में यह तय किया गया कि राजपुरा पंचायत मंदिर की चार दीवारी का निर्माण करवाएगी, साथ ही मंदिर में बगीचा निर्माण और अन्य विकास कार्य भी करवाएगी, जो हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुद माइंस के संयोग से किए जाएंगे। आपको बता दें कि बीती रात रेल मंगरा उपखंड प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में हनुमान मंदिर की चार दीवारी को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और शुक्रवार की बीती रात को एसके माइंस के बाहर घेराव भी किया था। उसी रात से माइंस में कार्यरत मजदूरों को भी रोका गया। दूसरे दिन शनिवार की सुबह क्षेत्र के ग्रामीण और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मंदिर पर जमा हुए, जहां उन्होंने जिंक सिंदेसर खुर्द माइंस में जाने वाले पहली पारी के श्रमिकों को रोक दिया। चौतरफा दबाव के बाद बैकफुट पर आए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों के साथ समझौता यात्रा की, जिसमें मंदिर की चार दीवारी का फिर से निर्माण करने और अन्य विकास कार्य करवाने की जिम्मेदारी स्थानीय राजपुरा पंचायत को दी, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। जी सर, ये एसके माइंस सिंदेसर खुर्द घाटी पर जो हनुमान मंदिर के पास दीवार तोड़ी गई, उसकी पूरी घटनाक्रम क्या है सर, बताइए। जय श्री राम। घटनाक्रम ये है कि कल शाम को विगत 7 बजे के पश्चात प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मंदिर परिसर में घुसकर जेसीबी फोकलेन इत्यादि साधनों के साथ दीवार को ध्वस्त किया गया और ये सूचना जिसे गांव में जो लोग थे उनको मिली। उसके बाद अधिकारियों ने गांव के कुछ जो लोग थे उनको थाने में ले गए। उसके बाद में जन आक्रोश हुआ। जन आक्रोश के बाद आज सब गांव वालों के साथ प्रशासन को यहां बुलाया गया और DYSP डिप्टी साहब, यहां के थानेदार, एसके माइंस के जो यहां के मैनेजर है अंशुल जी, उनको यहां बुलवाया गया और उनसे बात करके निवारण में ये हुआ कि वापिस चार पॉइंट रखे गए। चार पॉइंट में दीवार जो इन्होंने तोड़ी है वो पूरी दीवार लास्ट से लेके शुरू तक पूरी बाउंड्री वॉल 5 फीट की करके देंगे। दूसरी बात, अंदर जो गार्डन की व्यवस्था करवानी है पूरी। तीसरी, इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पे रख रखाव सुविधा जो भी होगी वो जो माइंस है माइंस के संबंधित रहेगी। और एक सामने फ्रंट पे एक बड़ा सा जो गेट है वो गेट बनवा के देंगे। ये प्रशासन से और जेके बहन से बात हुई और पंडित जी से सेवा पूजा के लिए 2 पंडित जी है वो जो सेवा पूजा करेंगे उनको मासिक वेतन जो तय किया गया है वो दिया जाएगा। जय श्री राम। तो सर, किन कारणों से ये तोड़ा गया दीवार, ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। कारण तो प्रशासन ये बता रहा है कि ये किसी ने अवैध कब्जा किया था, लेकिन हम उस चीज को नहीं मानते हैं। हम तो सूचना पे ये आए थे कि भाई प्रशासन ने तोड़ा है, धार्मिक स्थल है, इसलिए बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद यहाँ आया है। हमारी मांगें पूरी हो जाएगी, हमारा आंदोलन यहाँ खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं मानते हैं या ये निर्माण नहीं होता है तो कल वापस हम लोग इकट्ठे होंगे और बड़ी अच्छी संख्या में वापस आंदोलन किया जाएगा और वापस जब तक हमारा ये मंदिर का पूरा जो इन्होंने वादा किया है वो पूरा अगर नहीं करेंगे। ऐसे लिखित में लिया जा रहा है, सबसे शाम तक ये लिखित में दे रहे हैं आज काम चालू करने का और आज से काम वापस चालू करने की बात। जयंती आज है, विश्वकर्मा जयंती के दिन ही आज शाम को ये काम चालू कर दे। पंचमुखी बालाजी पे जो दीवार तोड़ने का मामला सामने आया है, सुनने में आ रहा है इसमें पास में किसी अवैध खनन किया जा रहा है या अवैध से कब्जा किया गया है, क्या है पूरा मामला बताइए। सभी साथियों को, सभी भाइयों को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। पंचमुखी दरबार में कल
बहुत ही दुखद घटना हुई है जो पूरे भारत और अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म प्रेमियों के लिए बहुत दुखद की घटना है। जो भारत देश में रहते हुए राम के नाम को तोड़ा जा रहा है, ये पूरी दीवार बाउंड्री वॉल बनी हुई थी पूरे मंदिर की, और एक कोना जो 25 फीट का काफ़ी समय से नहीं बना पा रहे थे उसको अभी बजट आने की वजह से बना रहे थे तारबंदी को पूरा करके, तो वो दो दिन से कार्य चल रहा था और वो कोना बन रहा था। तभी शायद 6 बजे तहसीलदार साहब अभिनय जी शर्मा साहब और डामोर साहब और योगी जी और पुलिस जाब्ते कम से कम 15 से 20 लोग पुलिस लोग वाले आए थे, और मैं और दो तीन भाई लोग हम मंदिर पर ही पूजा अर्चना जैसे राम का नाम लिया कर रहे थे उस समय। तो हमें बुलाया गया कि भाई साहब अवैध निर्माण किया जा रहा है आपके द्वारा। हमने कहा हमें कोई अवैध निर्माण नहीं है, पूरे गांव और सभी भाई लोगों सनातन धर्म से मिलकर ये बाउंड्री वॉल बनी गई है और काफ़ी समय से बन चुकी है, कम से कम 3 साल हो चुके हैं इस बाउंड्री वॉल और मंदिर को बने हुए हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये चरागाह है और हमें हिंदुस्तान जिंक ने एप्लीकेशन दी है और उस एप्लीकेशन के आधार पर हम इस भूमि को पूरी को मंदिर को सबको हम तोड़ेंगे। जब अभिनय शर्मा साहब और SDM साहब ने हमें ये बताया तब श्रीमान ये भाई साहब भी पधारे थे आदरणीय जी, तो हमने भाई साहब को कहा तो मैंने निवेदन किया हाथ जोड़कर कि सर आप इसको ना तोड़ें, मंदिर की दीवार है, प्रभु श्री राम का नाम है, आपको किससे कोई दूसरी बात है तो हमें लेटर बताइए, कुछ भी कारण है तो हमें कारण बताइए आप। प्रशंसा हमने बार बार विनती करी, मेरे वीडियो भी हैं, मैंने निवेदन किया कि अगर कोई भी रीज़न है किसी रीज़न की वजह से आप तोड़ना चाहें तो हमें हाथ जोड़ के बताएं सर, तो उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताते हुए मुझे गाड़ी में पुलिस की गाड़ी में डाल के रेलमुरा थाने में ले जाया गया और पूरी बाउंड्री को JCB हिंदुस्तान जिंक के द्वारा JCB और डोजर और डंपर बुलाए गए और लेबर बुलाई गई, उनके द्वारा पूरी बाउंड्री पूरी ध्वस्त कर दी गई। ध्वस्त के बाद जो बालाजी के मंदिर के जो चरण पादुका ऊपर चढ़ने के लिए पंक्ते हैं उन पंक्तियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और ये कम से कम 2.5 घंटे तक इनकी प्रक्रिया चली और पुलिस प्रशासन के बल से पूरा मंदिर का बाउंड्री और राम नाम को तोड़ा गया और ध्वस्त किया गया। SK महेश घाटी पर सर पंचमुखी बालाजी की जो दीवार तोड़ी गई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, वो किस कारणों से तोड़ी गई सर? कल प्रशासन द्वारा जो चरागाह जमीन के निर्माण जो किए गए थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, उसमें ये हनुमान मंदिर के सामने वाली दीवारें वो भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस निमित्त आज ग्रामीणों ने और यहाँ की ग्राम पंचायत राजपुरा और जिंक मैनेजमेंट के बीच में वार्ता हुई और जिसमें ग्राम पंचायत इस दीवार और मंदिर के अंदर सौंदर्यकरण और विकास का काम कराएगी, जिसमें SK महेश पूरा असिस्ट करेगी सहयोग, जिसमें सहमति बनी और सुचारू काम हो गया, लोग सभी पक्ष संतुष्ट होकर के विसर्जित हो। ठीक है सर।